ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप, मैं आपका दोस्त और बाजार इनसाइट यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 22 अक्टूबर के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, उसके साथ जो हम लोग का ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस है उसको देखेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, उसके साथ जो हम लोग का ग्लोबल मार्केट क्यूज है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। पहले बात तो ये है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहाँ पर हम लोग स्टॉक्स का इंट्राडे में स्टॉक्स के ऊपर जो स्टॉक्स का सीपी होता है यानी कि स्टॉक्स का जो कॉल पुट ऑप्शन होता है उसके ऊपर साइड में काम करते हैं और वो इंट्राडे में होता है। यहाँ पर होता है कि यह लाइव मार्केट सपोर्ट मैं देता हूं, किस कहां पर कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है और किस रेट पे उसका कॉल और पुट को बाय करना है और कहां पर उसको बुक करना है, कहां से निकालना है, सारे चीजें मैं व्हाट्सएप सपोर्ट के दौरान वहां पर बताता हूं और लाइव मार्केट में बताता हूं ताकि आप लोग उसके अंदर लाइव काम कर सके। ठीक है, तो आज का परफॉर्मेंस मैंने स्क्रीन पे तो दे ही दिए है, उसको जाके देख लेना आप। और यहाँ पर हम लोग ये मेंटरशिप प्रोग्राम का एक छोटा सा फीस है 799 पर मंथ, अगर आपको जोड़ना है आप मुझे वो मतलब वो फीस पे करके आप यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। ठीक है, अब चल पड़ते हैं आज का वीडियो के ऊपर। और कल हम लोग किस तरह से निफ्टी 50 के ऊपर बात करके गए थे, पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे। तो निफ्टी 50 के ऊपर आप लोगों को कल मैंने बताया था कि ये पूरा एरिया का यहाँ पर कल यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, यहाँ पर हम लोग क्लोज करके गए थे 50% के ऊपर। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आज हो सकता है हम लोग एक बार झटका लगा के नीचे आए और इंट्राडे में ही उसको सिमट के ऊपर चले गए, तो कहीं ना कहीं वो ही हुआ। आपने देखा आज थोड़ा फॉल ज्यादा हो गया था, यहाँ तक हम लोग प्रिपेयर यहाँ पर था लेकिन वो नीचे आ गया था, लेकिन ठीक है वहां पर ही क्लोजिंग दे रहे हैं। ये पूरा एरिया जो था, ये पूरा ये जो लेक था, कल मैंने आप लोग को ये वेव के बारे में बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी था वो वेव का ये पूरा 62% के यहाँ पर ये रिट्रेस करने के लिए नीचे आए। अब यहाँ होता है मैक्सिमम ये एरिया 18,000 जो आज का लो लगाया था उस एरिया 18,000 तक ये जा सकता है, ये एरिया का टॉप जो कि ये 78% उसके नीचे अगर चले जाते हैं तो हम लोगों का सिनेरियो कुछ ये वेव कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों का कुछ अलग सिनेरियो हो जाएगा, तो मैं वो अलग बात वहां पर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो जर्नल का मेंबर्स है आपको वहां पर मैं बता दूंगा किस तरह से हम लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंट्राडे के लिए डिस्कस करते हैं। तो इंट्राडे के लिए कल अगर हम लोग देखते कि दोबारा हम लोग ये 38% वाला एरिया जो कि आ रहा है 320 उसके ऊपर चलने का कोशिश करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर, कैश का लेवल मैं स्पॉट का लेवल बता रहा हूं, उसके ऊपर अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देते हैं तो वहां से इसको हम लोग बाय करके चलेंगे। लेवल्स मैंने दे दिया है स्क्रीन पे, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। और अगर ये 78% वाला एरिया जो कि आ रहा है 18,020 उसके नीचे अगर चले जाते हैं और एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते हैं तभी इसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। स्पॉट का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, अपने अपने हिसाब से काम कीजिए। बात यहां पर मैं क्लियर कर देता चाहता हूं दोस्तों कि इस चैनल के अंदर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाते हैं, मैं चार्ट में सारे चीजें आपके सामने वो एनालिसिस करता हूं, उसके बाद मेरा एक व्यू रहता है वो व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उस व्यू को लेकर आप किस तरह से काम करें वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप देख लीजिए, अपने अपने रिस्क एपेटाइट होता है उसके हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस को और पहले हम लोग देखेंगे जूनियर निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। तो कल मैंने आप लोगों को यह बताया था, दो दिन से मैंने यहां से जब ये कैंडल बनाया था वहां से ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नीचे आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, बहुत बार ये बात आप लोगों को मैंने बोला और आज इसने इसका पूरा 78% इसने कंप्लीट करके मेरा जो कल मैंने बात किया था इस लेवल तक आ सकता है 43,300 तक, लेकिन इसने 40,000 तक आ गया, 42,800 तक आ गया। और ये पूरा एरिया का आप देख सकते हैं ये जो लेग लगाया था ये यहां से जो 10 कैंडल में गए थे उसका लो को खाली 4 कैंडल में ब्रेक कर दिया, तो इसके अंदर वीकनेस तो है लेकिन मैं आप लोगों को कल भी बताया था और आज भी वही बता रहा हूं ये यहां से रिवर्सल हो सकता है क्योंकि अब देखिए ये पूरा लेग का 78% इसने चेक किया। अब अगर ये इसको भी आज का कैंडल का लो को भी ब्रेक कर जाते हैं तब अलग से बात होगा, ये वेव को ये जो लेग लगाया था इसको ये कैंसिल कर देगा, अदरवाइज यहां से हम लोग रिवर्स करेंगे और जगह नहीं है नीचे जाने का। अगर हम लोग को रिवर्स करना है यहां से ही रिवर्स करना है और अगर हम लोग रिवर्स करते बहुत स्पीड से इस टॉप को हम लोग काटेंगे
है जो कि यहाँ से 2200 पॉइंट ऊपर है, तो तैयार रहिए। यहाँ से हम लोग एक बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ मोमेंटम दिख सकते हैं अगर ये यहाँ पर इसका खेल खत्म करते हैं और इस लेग को कैंसिल नहीं करते, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप के अंदर भी वही सेम सिनेरियो है, पूरा लेग जो लगाया था उसका 50% आज इसने चेक कर लिया, जो कि कल मैंने आप लोगों को बात करके गए थे इंट्राडे में हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं उसके बाद खींच के ऊपर लेके जाएंगे, वही चीज हुआ मिड कैप के अंदर। कल का वीडियो है यूट्यूब के अंदर जाके आप देख सकते हैं, मैंने वो बताया था और वही बात हुआ, आज इसने 50% यहाँ पर कवर कर लिया। अब यहां से इसको दोबारा नहीं आना है, इसको खींच के ऊपर लेके जाना है। जो 3 कैंडल का लो लगाया है इसको एटलीस्ट 2 कैंडल में इसको टॉप को काटना है। अब हम लोगों को 2 दिन में इसको टॉप को काटना है, अगर ऐसा होता है तो निफ्टी के अंदर भी हम लोग बहुत उछाल देख सकते हैं और हम लोग यहां से 19,500-20,000 तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कैसे कल होता है। कल का मार्केट का जो मोमेंटम रहेगा, आज एक्सपायरी था, कल का जो मूवमेंट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एटलीस्ट हम लोगों को ये एरिया को ब्रेक करना है मिड कैप के अंदर, ये जो 23% 32,200 का लेवल। स्मॉल कैप के अंदर चले जाते हैं, स्मॉल कैप के अंदर क्या हुआ, इसने भी आज खराब कैंडल बनाया और इसका 50% इसने यहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर ही लगभग क्लोजिंग दे रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़ा यहाँ पर अलग से चीज दिखा रहा है। ये हो सकता है 62% तक आए, ये अगर 62% तक आते हैं ये टॉप के आसपास, जो कि हम लोग बहुत पहले से बात किए थे कि ये ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ से अगर ये नीचे आने का कोशिश करते तो ये जो टॉप यहाँ पर बनाया था ये लेवल तक आ सकते, तो ये आ ही सकते हैं। लेकिन अगर मिड कैप और सारे चीजें कल स्मॉल कैप और सॉरी मिड कैप नेक्स्ट 50 निफ्टी ये सारे चीजें अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाती, ये भी यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ ये टॉप को काटने के लिए 2 दिन के अंदर ऊपर चले जा सकते हैं, तो देख के चलना पड़ेगा। कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट आप एटलीस्ट वॉच कर लीजिए कि ये रिवर्सल हो रहा है कि नहीं। प्राइस अगर दिखने लगे कि हाँ वो रिवर्सल हो रहा है तो हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग ग्लोबल मार्केट जो के अंदर चले पड़ते हैं, पहले हम लोग देखेंगे ये जो हम लोगों का डॉलर इंडेक्स है, तो डॉलर इंडेक्स के बारे में कल मैंने आप लोगों को ये बात करके गए थे कि हो सकते ये लाइन को ब्रीच करे और कल हम लोगों ने देखा इस लाइन को ब्रीच करके अंदर आ गए हैं, यानी कि इस जो सपोर्ट था इसको इसने कैंसिल कर दिया है। अब ये नीचे आने का कोशिश करेगा और ये लो को काटने का कोशिश करेगा जो कि आया है 91.9692 के आसपास, जो कि यहां से एक डॉलर नीचे मतलब बहुत होता है। ये अगर ऐसा करते जाएगा तो हम लोग का मार्केट के लिए बहुत ही भला होगा और मार्केट यहां से रिवर्सल होके जाएगा। यह बात डॉलर अगर टूटता है यहाँ से तो हम लोग का इक्विटी मार्केट के अंदर जो मेटल सेक्टर है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटो सेक्टर सारे परफॉर्म करेगा और हम लोग यहाँ से ऊपर चलने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसको देख लेना, ठीक है। अब चल पड़ते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस के अंदर, ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस हम लोग देख लेते हैं और ये रहा आपके सामने फ्यूचर जो है, यूएस फ्यूचर थोड़ा नेगेटिव है दोनों ही डाउ जोन्स और नैसडैक, और उसके साथ जो हम लोगों का यूरो मार्केट है डैक्स कैक एफटीएसी सारे कि सारे नेगेटिव चल रहे हैं। उसके साथ ब्राजील आज भी 2% के आसपास नेगेटिव है, कल भी 2-3% के आसपास नेगेटिव था, आज भी 2% के आसपास है और जापान के अंदर भी 2-2.5% का नेगेटिविटी नजर में आया है और सारे हम लोगों का जो एशिया मार्केट है सारे टूटा है आज, हांगसेंग चाइना और उसके साथ हम तो नेगेटिव है ही और कॉस्पी भी थोड़ा नेगेटिव है, तो सारे मार्केट नेगेटिविटी दिखा रहा है। लेकिन नेगेटिविटी दिखाने का ये मतलब नहीं है कि ये यहां से रिवर्सल नहीं हो सकते हैं, एक ही झटके में रिवर्सल हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए क्योंकि चार्ट में जिस जगह पर ये सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहे हैं अभी, तो वो अगर ले लेते हैं तो कल ही हम लोग ऊपर की तरफ यात्रा शुरू कर देंगे। अगर फर्स्ट हाफ में हम लोग परफॉर्म नहीं करें और इसको लो को भी काटने का नीचे आने का कोशिश करते हैं तो आप उसको समझ लीजिए कि हम लोग इसका साइज इंक्रीज करेंगे और भी हम लोग नीचे आ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ अगर हम लोग अच्छा करते हैं ऊपर की तरफ रिवर्सल लेने का कोशिश करते हैं, इसका पूरा पूरी ये मतलब है हम लोग का लास्ट टाइम का जो हाई था उसको भी हम लोग काटेंगे, ठीक है। अब हम लोग चल पड़ते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म कर दिया, जिस तरह से बात मैंने आप लोगों को कल भी किया था कि बैंक निफ्टी मार्केट तो नीचे आ रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है लेकिन बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है, तो आपने देखा बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर चला गया, तो हम लोगों का बाय व्यू तो एक्टिवेशन वहां पर हुआ था, वो भी टारगेट हिट हुआ, तो कल भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर ये 40,200 के ऊपर जाके भी 15 मिनट का क्लोजिंग दे देते हैं तब बैंक निफ्टी कल हम लोग बाय करेंगे। स्पॉट का लेवल मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। और एक बार
7200 स्क्रीन पे देखिए। ये मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर इंट्राडे में बाय साइड में काम करते हैं। तो जो दोस्त यहाँ पर काम करना चाहते हैं इंट्राडे में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। लाइव मार्केट सपोर्ट वहां पर मैं देता हूँ, छोटा सा फीस है वह आपका 599 पर मंथ, वो पे करके मेंबरशिप आप ले सकते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी स्टॉक को दोबारा ये जो यहाँ पर स्विंग बना है इसको काटने का कोशिश करते हैं, जो कि आ रहा है 39,800, उसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते ही इसको हम लोग सेल करेंगे। लेवल मैंने दे दिया है, स्पॉट का लेवल है ये, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करते रहिए। और एक बात दोस्तों, मैं आज शाम को 7 बजे के आसपास कल के लिए 4 स्टॉक को लेकर वीडियो डालूंगा और उसको जाके जब मैं स्क्रीन में जोड़ भी दूंगा उसको जाके देख लेना। और एक बात, यहाँ पर बहुत मेहनत करके डेली बेसिस 2 वीडियो में डालता हूँ दोस्तों, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100, उसको थोड़ा अचीव अगर कर देते हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा। और मैं एंड स्क्रीन में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पेनी स्टॉक को लेके, जो आगे चलते हुए टाइटन जैसा परफॉर्म कर सकते, 3 ऐसे पेनी स्टॉक मैंने जोड़ रहा हूं उस वीडियो को एंड स्क्रीन में, उसको जाके देख लेना, आपको वहां पर बहुत 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 मुनाफा हो सकता है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।